मैं आपको बता दूं कि इस रोड का जो पीच हुई है पक्कीकरण, आप देख सकते हैं कि एक बारिश हुआ है और यहाँ पे नीचे में पत्थर आ गया। मतलब ये जो ऊपर में दो तीन देख रहे हैं बस यही है आपका, इतना ही ढाला हुआ इस पर बनाया हुआ है। और मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे, थोड़ा सा हटिए चाची, यहाँ पे जो पुल बनाया गया है दोस्तों, अभी हम लोग घर से निकल चुके हैं और जा रहे हैं चौर में, वीडियो शूट करना है क्योंकि मेरा नगवा पंचायत का रोड टूट गया है, उसी का न्यूज बनाना है और जा रहे हैं हम लोग। जा रहे हैं, देखिए मेरा गांव का स्थिति, अभी 10 दिन हुआ है रोड बनना, देखिए सब तरह धंस किया हुआ है, मात्रम 10 दिन हुआ है रोड बनना, धंस किया हुआ है। हम लोग जा रहे हैं अभी न्यूज बनाने और आदमी से बहुत है होते तो होते जाके वीडियो बना के आप लोग के। मेरा टीम से है, जा रहे हैं हम लोग अभी, देखिए वीडियो शूट करने जा रहे हैं हम लोग। अभी पुल का इंजीनियर का इलाज होगा कस के और आप लोग ब्लॉक में बने रहिए, बहुत तगड़ा ब्लॉक बनने वाला है। कल मैं लाइव हुआ था तो बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ों को देखा पंचायत में, किस तरह की ये हमारे जो लोकल इंजीनियर है या विभागीय इंजीनियर है जिन्होंने इस चीज़ों को बनवाया है। आप देख सकते हैं कि ऐसा ये लोग प्लास्टिक रख कर कर करके बनाया है कि अगर इसको सावल से उखाड़ा जाए इस पुल को तो ये उखड़ सकता है, क्योंकि इस तरफ से स्टार्टिंग से लेकर करके लास्ट तक के ये पुल इस पोजीशन में है कि अगर भारी कोई गाड़ी अगर चलती है आती है तो ये डेफिनेटली ये पुल अलग खसक करके चला जाएगा। और आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर में जब मैं कल लाइव हुआ था तो मैंने दिखाया था लोगों को कि वहाँ पे गड्ढा हो गई है, जो कि रात में या मॉर्निंग में कोई भी गाड़ी वहाँ पे क्रैश हो सकती है और उसमें दुर्घटना होने की संभावना है। और कल हमारी जिला प्रशासन से भी बात हुई थी लेकिन अब तक की इसकी संज्ञान नहीं ली गई है। और यहाँ ही नहीं, इस तरफ ही नहीं, आप नीचे भी देख सकते हैं कि पूर्ण रूप से कार्य को नहीं किया गया है। ये आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारा प्लास्टिक है, मतलब ये पुल को कहीं ना कहीं एक तरफ देखा जाए तो सिर्फ ऊपर से रख कर करके इसको ढाल दिया गया है। मतलब नीचे में भी सारा काम अभी वर्क फाइनल नहीं हुई है, आप देख सकते हैं इसको भी लोगों ने, इंजीनियर ठेकेदार लोगों ने पूर्ण रूप से काम नहीं करवाया है और छत को इस तरह से ढाला है। हालांकि इस दीवार से इसका कनेक्ट होना चाहिए लेकिन इसके अंदर में प्लास्टिक दे दिया, तो ये इसको अगर उठाया जाए तो ये सावल से उठ सकती है। मतलब यूँ समझिए कि 6 महीना 2 महीना क्या, ये 2 दिन में भी ये पुल गिर सकती है। और इसको इंजीनियर ने काम करवाया है, आप देख सकते हैं इस तरफ में भी यही सिचुएशन है। मतलब अगर ये पुल को अगर 20 आदमी से अगर उठाया जाए तो ये पुल उठ सकती है। और इसका जो इंजीनियर बनाए हैं उससे ससुरा को ये पता नहीं है कि किस तरह का पुल बनाया जाता है और ऐसे लोगों को विभाग में कहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है और इसे लाइसेंस कैसे मिल जाती है और इसको इंजीनियर का डिग्री कहाँ से खरीद कर करके किसके रहमो कर्मों पे उन्हें डिग्री मिल जाती है। आप देख सकते हैं इस तरफ से पूरा, मतलब नीचे में पूरा पन्नीक है और ऊपर से सिर्फ छत है और नीचे से पूर्ण रूप से भी वर्क नहीं है, नीचे भी काम नहीं हुई है, जिस तरह से कर करके छोड़ दिया। क्योंकि ये पंचायत जो है पूर्व मंत्री वीर सिंह पटेल साहब, माननीय कहिए जबरदस्ती का माननीय कहिए, और सिद्धार्थ पटेल जो अभी भ्रष्टाचार में ज़्यादा लिप्त रहते हैं, सिद्धार्थ पटेल जी, उनका ये मानना है जितना ज़्यादा घूस लेंगे नेक्स्ट इलेक्शन हारे या जीते उससे उनको फ़र्क नहीं पड़ती है। और आप देख सकते हैं उनके पंचायत में, एक MLA की पंचायत में इस तरह की पुल बन रही है उनकी संरक्षण में। देर का वीडियो हो रहा है, आपने रोक जाना है, कोनो गिफ्ट किया है, स्टार दे लिया तो रुके जाए फिर।
मैं आपको बता दूं कि सिंपल वे है, इस पुल का निर्माण इस तरह से किया गया है कि जिस तरह से किचन में सिलाब को ढाल करके रखा जाता है। अब मैं इंजीनियर को एक नाम दे रहा हूँ इस पुल का कि ये किचन पुल होगा। किचन में जिस तरह से सिलाब को ढाल करके रख दिया जाता है, उसमें खाने पीने की सामग्री रखने के लिए, ठीक उसी तरह है। तो सामग्री तो नहीं रख सकती है इस पुल पर ना, इस पे तो गाड़ी चलनी है। मैं आपको बता दूं कि इस रोड का जो पीच हुई है पक्कीकरण, आप देख सकते हैं कि एक बारिश हुआ है और यहाँ पे नीचे में पत्थर आ गया। मतलब ये जो ऊपर में दो तीन देख रहे हैं बस यही है आपका, इतना ही ढाला हुआ इस पर बनाया हुआ है। और मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे, थोड़ा सा हटिए चाची, यहाँ पे जो पुल बनाया गया है उस ससुरा इंजीनियर ऐसा बनाया है कि इधर से जाइएगा तो अमेरिका तरफ जाइएगा और इधर से घुसिएगा तो ये वेस्ट बंगाल तरफ चले जाइएगा। मतलब यहाँ टेढ़ा बनाया है। हमारे ख्याल से लग रहा है कि वो 5 फीट 4 फीट जो कम चौड़ाई बनाया है उसका मटेरियल बचाने के लिए वो तिरछा कर दिया है। उस तरफ में देखिए उधर भगा दिया, इस तरफ में देखिए इधर भगा दिया। इधर से गाड़ी आएगी तो इसमें ठोकेगा, उधर से गाड़ी आएगा तो उस कोना में ठोकेगा। अब आपको हम बता दे कि इस पुल को एक मैं पहले लाइव होकर के बताया था वहाँ पे, और यहाँ पे जो है ये भी पुल अब दबने जा रही है। इसका जो एस्टीमेट में बनती है वो चारों तरफ से दीवार उठाई जाती है आरसीसी पिलर पे, मिट्टी कंक्रीट भर कर करके उसके बाद बड़ा बड़ा स्टोन डाल कर करके इसको मतलब सुचारू रूप से इसको कम्प्लीटली इसको स्ट्रॉन्ग किया जाता है, जो कि ऐसा किया गया नहीं है। मैं आपको बता दूँ नीचे में भी इस पुल का जो निर्माण हुई है उसमें कितनी ईमानदारी बरती गई है और कितना सही तरह से बना है वो आपके सामने होगा। मैं आपको बता दूँ ये देखिए, ये किचन पुल है, इसका हमारे पंचायत के लोगों ने नाम दिया है। ये कहीं नहीं, ये वर्तमान विधायक जी का गांव है, ये वर्तमान विधायक जी सिद्धार्थ पटेल जी का गांव है। और ये जो पुल का ऊपर से जो बना है ढाला गया है, सिर्फ ढाल करके रख दिया गया। आप देखिए इसमें कहीं भी इसका अटैचमेंट नहीं है और न ही इसमें छड़ है, सिर्फ ईंट का जो पहले का था ऊपर का तोड़ कर करके ऊपर में बना दिया गया है। और इसका एस्टिमेट जो खर्च है वो जेई साहब इंजीनियर साहब ने अपने परिवार का डेवलपमेंट के लिए इसको ले लिया है। मतलब वो किस तरह का किस, अब देखिए गिट्टी भी हाथ से निकल रहा है, मतलब हम अगर चाहेंगे तो इसको हाथ से तोड़ सकते हैं। देखिए इसको हाथ से ये टूट सकता है और पूर्ण रूप से चारों तरफ से ऐसे ही है। देखिए यहाँ भी प्लास्टिक रखा हुआ है। इस ससुरा कैसे ढाला है, इसको बनाया है, आप लगा सकते हैं कि इस इंजीनियर का डिग्री फर्जी होगा या किसी के रहमो करम पे उसको डिग्री मिला होगा या किसी विधायक मिनिस्टर के चपलूसी और चमचागिरी करने पर डिग्री मिला होगा। इस तरह से इंजीनियर ठेकेदार लोग बनाएंगे, हमारा देश का क्या होगा। मैं देश के लोगों से विनती करना चाह रहा हूँ हाथ जोड़ करके कि देश के लोग अपील करें वर्तमान विधायक सिद्धार्थ पटेल और वीर सिंह पटेल साहब जी का गाँव के माननीय जबरदस्ती का माननीय लोग हैं, इनके पंचायत में इस तरह का आकर करके किचन पुल लोग बना रहा है। मतलब इसको उठाइएगा ये उठ जाएगा, मतलब इसके ऊपर से बगल में पावर ग्रिड है, सावल से इसको उठाइएगा उठ जाएगा। इंजीनियर ये पुल बना कर करके चला गया है। मेरा वीडियोस को इतना शेयर कीजिए और उस तरफ में उसको पत्थर वगैरह उसके बाद उस स्टोन दे कर करके वो कंस्ट्रक्शन में ही वो आपका प्रोजेक्ट में ही आती है कि 20 इंची का दीवाल दे कर कर करके उसको स्ट्रॉन्ग करना। पुल भी टेढ़ा मेढ़ा किया है, छड़ भी बाहर निकला हुआ है कि कोई बच्चा पानी भरेगा उस पर अगर नहाने के लिए जाएगा तो वो गड़ जाएगा। वहाँ पे भी ईमानदारी नहीं बरता है लोगों ने, यहाँ पे पत्थर स्टोन वगैरह नहीं डाला है। उसके बाद इसमें जितना भी है चारों तरफ से पन्नीक दिए हुआ है। मतलब इस पुल को गिरने में यूँ समझिए ना कि वो ईश्वर के ऊपर और नहीं है, वो हमारे आपके ऊपर है कि कोई भी रात में आकर कर करके और उसको सावल लगाएगा ये पुल उठ के अलग चला जाएगा। मतलब बिहार में पुल गिरता है,
बिहार में पुल उड़ जाता है आंधी में, आ इसको किचन पुल नाम दिया है लोगों ने। क्या किचन पुल है ना नाम इसका, किचन पुल इसको नाम दिया है कि किचन में जैसे सिलाब ढाल कर करके पुल को ऑर्गेनाइज किया जाता है, उस तरह से इस पुल का। आप पीछे में भी आ जाइए, पीछे में भी आपको मैं दिखा देता हूँ कि इस तरफ से यहाँ से लेकर के पूरा पनिक दिया हुआ है। कहीं से भी आपको नहीं लगेगा कि ये किसी भी तरह का ऑनेस्टी बरती गई है। देखिए ये आपका सिर्फ पन्नी रख कर करके ढाल दिया गया है कि ताकि ये पुल कब गिरेगा कि फिर मैं योजना बनाऊंगा। और मैं आपको बता दूं, आप ऊपर आइए, यहाँ कोई भी पाइलिंग कर करके आरसीसी कोई भी ढलाई नहीं की गई है। और इसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पिकपीडिया इसको दिखाने के लिए वो कतराते हैं। और देखिए सामने बोर्ड लगा हुआ है, एक वृक्ष 10 पुत्र समान, मतलब यहाँ कोई वृक्ष भी नहीं लगाया गया है, जबकि ये सांसदीय कोटा का है, संसद क्षेत्र का है। इसको बीना देवी ने इसको प्रोजेक्ट किया है। और राष्ट्रमंडल में बैठे लोगों से मैं अपील करना चाहूँगा कि इस रोड का फिर से रीजांच हो कर करके इसका कंस्ट्रक्शंस का जांच होनी चाहिए, और SIT नहीं तो कोई विजिलेंस या फिर कमीशन बैठा कर करके इसकी जांच होनी चाहिए। और नितिन गडकरी साहब, मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि हमारे बिहार का भी सेंटर से एक टीम भेज कर करके हमारे वर्तमान विधायक जी के गांव में भेज कर करके करोड़ों का जो रोड बना है उसका पर्दाफाश करवाने का कृपा करें। धन्यवाद।